Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Dewey College, University of Allahabad. And in this series of discussion over educational thinkers, today I am going to discuss educational views of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Or you can say Radhakrishnan's educational philosophy. Okay. And the lecture will be in bilingual mode, and it is useful for various examinations as well as for your regular courses, your professional courses. Okay, let's start. सबसे पहले राधा कृष्ण साहब को सर को हम लोग इस रूप में जानते हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, शिक्षाविद के रूप में उनकी भूमिका कम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आई थिंक कि सभी जानते हैं कि उन्हीं के जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर है। ये उन्हीं की इच्छा थी, उन्हीं की ख्वाहिश थी कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उनका शिक्षा से कितना गहरा नाता रिश्ता रहा होगा, शिक्षा को क्या महत्व देते होंगे, शिक्षकों की उनकी नज़र में क्या महत्ता होगी। तो शुरू करते हैं कि एजुकेशन उनके हिसाब से क्या थी। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान का अधिग्रहण तो थी बियॉन्ड व्हाट इज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान, सिर्फ प्रोफेशनल ज्ञान। ही फेल्ट दैट एजुकेशन शुड बी नाइदर बुकिश लर्निंग नॉर मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। उनके हिसाब से वो महसूस करते थे कि शिक्षा ना तो सिर्फ किताबी अधिगम तक सीमित होनी चाहिए और ना वो सिर्फ कुछ आंकड़ों और तालिकाओं का स्मरण होना चाहिए। स्टफिंग द माइंड विद इंफॉर्मेशन अनरिलेटेड टू लाइफ, वो कह रहे हैं कि आपने अपने दिमाग को भर लिया है उन तथ्यों से, उन आंकड़ों से, बुकिश लर्निंग से जिसका जीवन से कोई नाता रिश्ता नहीं है, वो शिक्षा नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट मेमोराइजेशन ऑफ थॉट्स ऑफ अदर्स एंड रिप्रोड्यूसिंग दोज इन एग्जामिनेशंस टू गेट डिप्लोमाज एंड डिग्रीज फॉर जॉब्स। वो कह रहे हैं कि शिक्षा ये भी नहीं है कि आपने किसी और के विचारों को याद कर लिया है, स्मरण कर लिया है और आप उसको एग्जामिनेशन पे रिप्रोड्यूस करते हैं और आपको डिग्री डिप्लोमा मिल जा रहा है। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द एसिमिलेशन ऑफ वैल्यूज एंड आइडियाज फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। देखिए वो कह रहे हैं कि ये मूल्यों का, विचारों का संग्रहण है जिससे कि आपके चरित्र का निर्माण हो सके। एंड प्रिपेयरिंग टू फेस लाइफ चैलेंजेस, और हम जीवन में हमारी जो चुनौतियाँ आने वाली हैं उसको तैयार, उसको उसका सामना करने के लिए हम तैयार हों। इफ एजुकेशन डज नॉट बिल्ड विजडम एंड ह्यूमैनिटी इन द हर्ट्स एंड माइंड्स ऑफ मैन, ऑल इट्स प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्स वुड बी मीनिंगलेस। वो कह रहे हैं कि अगर शिक्षा आपके अंदर विवेक का, मानवता का आपके हृदयों में संचार नहीं करती है तो जितना भी इसका प्रोफेशनल, वैज्ञानिक, तकनीकी, जितनी भी इसकी जीतें हैं, जितना भी इसने आज तक हासिल किया है, वो सब अर्थहीन है। तो और क्या है एजुकेशन? एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट ऑफ सोल दैट डिस्पेल्स इग्नोरेंस एंड इल्यूमिनेट्स इंडिविजुअल। वो कह रहे हैं शिक्षा आपकी आत्मा में उसको जागृति करनी है जिससे कि जितना भी अज्ञान है उससे आप दूर हो सके और आपकी जो सोल है वो इल्यूमिनेट हो जाए, आप इंडिविजुअली इल्यूमिनेट हो जाए। और इनकी जो एक फेमस डेफिनेशन चलती है वो इनका कोटेड है कि एजुकेशन टू बी कंप्लीट, मतलब अगर हम शिक्षा को पूर्ण रूप में देखना चाहते हैं तो वो मस्ट बी ह्यूमेन, वो मानवीय होनी चाहिए। पहली बात, इट मस्ट इंक्लूड नॉट ओनली द ट्रेनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट, इसमें हमको सिर्फ बुद्धि का प्रशिक्षण नहीं देना है बल्कि द रिफाइनमेंट ऑफ द हर्ट एंड द डिसिप्लिन ऑफ द स्पिरिट, हमारा हृदय का परिशोधन हो जाए, हमारी आत्मा अनुशासित हो जाए। नो एजुकेशन कैन बी रिगार्डेड एज कंप्लीट इफ इट नेग्लेक्ट्स द हर्ट एंड द स्पिरिट। देखिए महात्मा गांधी ने भी हेड, हार्ट एंड हैंड की बात की ना, ये कह रहे हैं कि शिक्षा, कोई भी शिक्षा तब तक परिपूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक कि अगर वो आपके हृदय का, आपकी आत्मा का निग्लेक्ट करती है, उसका उसका ध्यान नहीं रखती, उसको उसको चेतना उसमें जागृत नहीं होती है। ठीक है, और क्या है? वो कह रहे हैं कि हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इज यूनिक एंड इररिप्लेसिबल। उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया, वो विशिष्ट था और उसको बदला नहीं जा सकता है। ये हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम्स। आपको पता होगा शिक्षा से जुड़े लोगों को कि जो पहला कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना, उसके चेयरपर्सन थे, तो वो तो इनका एक अमूल्य योगदान है ही शिक्षा को। उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था बहुत सारे शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा, कैसे उसके सोल्यूशन निकाले जाएंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के वो वीसी थे,
विदेश में भी बुलाए गए अपना लेक्चर देने के लिए, फिलोसफी के मूर्धन्य विद्वान थे। डिस्पाइट ऑफ हिज बीइंग अ ग्रेट फिलोसोफर, ही सॉ लाइफ फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स एंड सॉ इट फुल। मतलब इन्होंने बावजूद इसके कि एक बहुत महान विचारक हुए, इन्होंने जमीन, मतलब जमीन से जुड़े आदमी, जमीन से जुड़े चीजों को भी देखा, महसूस किया। और इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इमेंसिपेशन, जो सोशल इविल्स हैं उनसे मुक्ति पाने का मार्ग इन्होंने शिक्षा में ढूंढा। हमको जब भी हम लोग विवेकानंद को पढ़ें या गांधी को पढ़ें, राधा कृष्णन को पढ़ें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कब ये बातें कर रही हैं। हमेशा कहती हूँ मैं ये, तब आपको सार्थकता समझ में आएगी कि वो सोशल इविल्स का दौर था, आज भी है, इविल्स का तरीका बदल गया, बस प्रकार बदल गया है। इट स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी टू स्टैब्लिश, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स अमंग मेन, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक स्टेटस, है ना। ये कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो शक्ति देगी, बल देगी डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश होने में, इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स अमंग मेन को प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, रिगार्डलेस ऑफ किसी भी आप जाति के हों, धर्म के हों, सेक्स के हों, कोई भी व्यवसाय हो आपका, कोई भी आपकी आर्थिक दशा हो, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हाउएवर डज नॉट मीन आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो हम लोग इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर पढ़ते हैं वही है ये। वो कह रहे हैं कि समान अवसर का मतलब नहीं है कि सबको एक जैसा अवसर देना है। इट मीन्स द इक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर एवरी पर्सन टू द एक्सटेंट ही कैन प्रॉफिट फ्रॉम इट एंड ऑफ ए काइंड बेस्ट डिजाइन टू एश्योर हिज मैक्सिमम डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेज ऑफ एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है हमको इक्वल अवेलेबिलिटी हो शिक्षा की, मतलब सबके लिए वो उपलब्ध हो उसी तरीके से, बराबर तरीके से, ताकि जो व्यक्ति है वो उससे लाभ ले सके, उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो। एजुकेशन एंड फिलोसफी आर इनएक्सट्रिकेबली रिलेटेड टू एवरी सोसाइटी। अब हम कहते हैं ना शिक्षा और जो दर्शन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षा जो है वो दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये सभी जानते हैं। एंड एजुकेशन इज एसेंशियली अ सोशियो फिलोसॉफिकल इंटरप्राइज, एनी अटेम्प्ट टू सॉल्व एजुकेशन प्रॉब्लम्स विदाउट विजडम एंड पावर ऑफ फिलोसफी इज इनएविटेबली डीम्ड टू फेलियर। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो एक सामाजिक दार्शनिक एंटरप्राइज है। वो कह रहे हैं कि कोई भी आपको शैक्षिक समस्या का समाधान चाहिए तो विदाउट विजडम, अगर आपने विवेकपूर्ण तरीके से उसको नहीं सोचा और दर्शन को उसमें शामिल नहीं किया, तो वो फेल ही होगी, मतलब वो सफल नहीं होगी। फिर इनके अगर हम कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन देखें इनके हिसाब से, तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट, हार्ट एंड स्पिरिट है, ह्यूमनिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, हमारे अंदर साइंटिफिक स्पिरिट डेवलप करे, ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करे, स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करे, शिक्षा से एकीकरण आए, हम दूर दूर ना हो, एक बने, एक कैपेसिटी फॉर डिसर्नमेंट होना चाहिए, स्व अनुशासन आना चाहिए शिक्षा से, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ यूथ, है ना, जो युवा वर्ग है उसका, उसकी स्पिरिट को हमको प्रिजर्व करके रखना है, ये शैक्षिक संस्थानों का काम होना चाहिए। अगर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट देखें इनका, तो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इज अ फैक्ट टू वेल नोन टू नीड एनी डेलिबरेशन, है ना। यही बात हो गई अभी कि सभी को पता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, दे आर इवन इनसेपरेबल, आप इसको अलग नहीं कर सकते। दी टू नोशंस फिलोसफी एंड एजुकेशन लाइक दी टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, हो गया बात, present different views of the same things, the one is implied by the other, the simple meaning of the term philosophy is laws of knowledge। हम क्या कह सकते हैं कि दर्शन क्या है, ज्ञान के नियम का भंडार है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में क्या कहा कि who is philosopher, he who has love of every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied। वो कह रहे हैं जिसको हर प्रकार के ज्ञान की से प्रेम है, जो सीखना चाहता है, जो कभी संतुष्ट आप नहीं जिसको कर सकते हैं, वही फिलोसोफर है। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज एन आइडियलिस्टिक फिलोसोफर, तो डॉक्टर राधा कृष्णन भी एक फिलोसोफर थे, आइडियल आदर्शवादी फिलोसोफर थे, हु हैज बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज द अल्टीमेट कॉज टू एक्सप्लेन कॉस्मिक फिनोमेना, और वो ईश्वर की के अस्तित्व को जरूरी मानते थे कि उसी के द्वारा सब कुछ संचालित है। राधाकृष्णन एजुकेशनल थॉट था द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी। देखिए ईश्वर को मानते हैं, वो साइंटिफिक स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और मनुष्य को जिम्मेदार मान रहे हैं उसके कृत्यों के लिए, इसका मतलब कि वो आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे। इट विल फुलफिल द मॉडर्न एम ऑफ एजुकेशन, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो बहुत हो सकते हैं, अभी जो एजुकेशन का फंक्शन था एक तरह से वही एम्स भी था, लेकिन फिर भी आप इसको जान लीजिए कि डॉक्टर राधाकृष्णन बिलीव दैट एजुकेशनल सिस्टम मस्ट फाइंड इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द एम्स ऑफ द सोशल ऑर्डर फॉर विच विच प्रिपेयर्स एंड इन द नेचर ऑफ द सिविलाइजेशन इट होप्स टू बिल्ड।
उन्होंने कहा कि सोशल फिलोसफी क्लियर होनी चाहिए एजुकेशन की। उन्होंने कहा क्या क्या शिक्षा को करना है, टू इंस्टिल द बिलीव दैट लाइफ हैज ए पर्पज, वो हम में ये विश्वास जगा सके कि जीवन का कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है, हम निरुद्देश्य जीवन ना जिए। टू कल्टिवेट द विजडम टू अवेकन द इननेट एबिलिटी टू लिव ए सोलफुल लाइफ, वो कह रहे हैं कि वो विवेक का हमारे में जागृत करे, टू प्रिपेयर फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमको वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए तैयार करे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अ स्किल दैट मे बी लर्न, हम अपना विकास कर सकें, टू बिकम इन टच विद वंस कल्चरल हेरिटेज, हम अपनी जड़ों से सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहे। The true aim of education should be the production of individuals harmonious in character and creative in spirit. वो कह रहे हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो इस तरीके के व्यक्तित्व का निर्माण करें, इंडिविजुअल्स का निर्माण करें जिनमें सामंजस्य हो, किसमें कि उनके कैरेक्टर भी डेवलप हो और वो क्रिएटिव भी हो। करिकुलम उनके हिसाब से क्या है, मोर और लेस ये है कि वो एक होलिस्टिक करिकुलम की बात करते हैं, जो कि आज NEP 2020 की बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सिस्टेंस, दी नेचुरल, दी सोशल एंड दी स्पिरिचुअल, वो कह रहे हैं कि तीन प्रकार के अस्तित्व है, प्राकृतिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, और सब जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत है, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको दूसरे तरीके का ज्ञान दे रही है, आर्ट और एस्थेटिक सेंस हमको दूसरे तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ हमको एक ही प्रकार के का ज्ञान दे रहा है, डिफरेंट स्टडीज शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ ए होल। ना ये होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक करिकुलम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इट इज आइडल टू थिंक दैट साइंस गिव्स अस ए पर्टिकुलर नॉलेज, आर्ट गिव्स अनदर एंड लिटरेचर गिव्स येट अनदर, ऐसा नहीं है, इट इज वन इंडिविजुअल होल, इनडिविजिबल होल विद ए पर्टिकुलर स्पिरिचुअल डायरेक्शन। कहने का मतलब कि सारा ज्ञान हमको उसी ईश्वर की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि आइडियलिस्टिक थे ना, इसलिए ऐसी बात की इन्होंने। फिर डिसिप्लिन के लिए कहते हैं कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, अ फ्री सोसाइटी इज कंपोज ऑफ फ्री सिटीजन्स, फ्रीडम इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, नहीं समझते हैं आजकल के बच्चे, स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि हम पे से बाह्य नियंत्रण हटा दिया गया तो हम स्वतंत्र हैं। अरे हमारा आंतरिक नियंत्रण भी कोई चीज़ होती है ना, कि हम अंदर से स्व अनुशासित हो, हमको पता है कि ये चीज़ गलत है तो हम किसी की एब्सेंस में भी नहीं करेंगे वो काम। ट्रू फ्रीडम इज एन इनवर्ड क्वालिटी, वही लिखा है। वो कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन शुड इनकरेज द डेवलपमेंट इन इट्स मेंबर्स ऑफ द फियरलेसनेस ऑफ माइंड, हम हमारे अंदर भय का वातावरण ना हो, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्साइंस, हमारे अंदर चेतना की शक्ति हो, इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस, हम उद्देश्य को लेकर एकदम मजबूत रहें। एनी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस वुड डिमांड ए स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, वो कहते हैं कोई भी अगर हम बौद्धिक उन्नति चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उसमें फ्री इंक्वायरी करें, तो फियरलेस होंगे तभी करेंगे ना। तो ऑल एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी लिबरल, मतलब वो कहते हैं ना सा विद्या या विमुक्त, वो विद्या वही है जो हमको विमुक्त करे, जो मुक्त करे किससे, अज्ञान से, प्रेजुडिस से, अनफाउंडेड बिलीफ से। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग, राधा कृष्णन एडवोकेटेड कैरेक्टर फॉर्मेशन टू बी नेम पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस ऑफ वर्चू एंड गुडनेस, सबने बात की चरित्र के बिना देखिए शिक्षा का कोई मतलब नहीं, हम शिक्षित हैं हमारे चरित्र का कोई अता पता नहीं है तो हम शिक्षित हैं क्या। According to him, development of personality is more significant than accumulation of intellectual tools and academic knowledge. वो कह रहे हैं आपके व्यक्तित्व का विकास ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपने बहुत सारी डिग्रीज हैं आपके पास और बहुत आपके पास intellectual tools का accumulation है। ठीक है, उन्होंने कहा development of that bent of mind, attitude of reason, spirit of democracy will make responsible citizens for our country, और ये शिक्षा से ही हो सकता है। वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने कहा, मतलब बात किया, बल दिया स्त्री शिक्षा को, उन्होंने कहा कि उनका अपना रोल है, वुमेन आर द मिशनरीज ऑफ सिविलाइजेशन विद देयर इमेंस कैपेसिटी फॉर सेल्फ सैक्रिफाइस एंड दे आर द अनक्वेश्चन लीडर्स इन अहिंसा। देखिए अहिंसा क्या उस वक्त दौर था, उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उन्होंने कहा कि वुमेन को भी शिक्षित करना जरूरी है। नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरीली विद बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन, उन्होंने कहा कि स्त्री के को शिक्षित किए बिना कोई सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि जो बालक है वो माँ से सीखता है। और रोल ऑफ टीचर, इस पे तो बहुत बात की इन्होंने, कहा कि सॉरी द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वी प्रोवाइड फॉर अवर यूथ इज डिटरमाइंड ओवरवेलमिंगली बाय द काइंड ऑफ मेन एंड वुमेन विद सिक्योर्ड एज टीचर्स, मतलब बच्चा अपने शिक्षक को बहुत इमिटेट करता है, फॉलो करता है, तो अगर अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छी शिक्षा दी जाएगी और अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। टीचर इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द आर्च ऑफ एजुकेशन, really without quality and effective teacher the educational institution, curriculum, teaching aids, educational planning etc are meaningless, मतलब आपने बहुत बढ़िया प्लानिंग कर ली है, करिकुलम बहुत अच्छा है, टीचिंग एड बहुत बढ़िया बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, और टीचर नहीं अच्छा है तो क्या मतलब है उसका।
उसी को तो ट्रांसजेंड करना है। टीचर्स आर रेस्पेक्टेड इन एवरी सोसाइटी, इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को टीचर्स डे के बारे में मनाने की बात की। उन्होंने कहा कि ही मस्ट हिमसेल्फ बी ए मास्टर इन द फील्ड ऑफ स्टडी, उसको जरूर अपने क्षेत्र का मास्टर होना चाहिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीचर्स कौन है, रिमूवर्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, जो हमारे अंदर आध्यात्मिक अज्ञान है उसको दूर करेंगे, सॉरी, रिजर्वॉयर्स ऑफ न्यू स्पिरिट, हमारे अंदर नई आत्मा नई चेतना का संचार करेंगे, उसका वो अधिग्रहण रखते हैं और वो आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ऐसा विचार राधा कृष्ण साहब का शिक्षक के रूप में था, शिक्षक के लिए था। और अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो बहुत ही बड़े ये विद्वान रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा है कि ही हैड सर्व्ड हिज कंट्री इन मैनी कैपेसिटीज, वो कभी राष्ट्रपति थे, कभी उपराष्ट्रपति थे, कभी एजुकेशन कमीशन को चेयर कर रहे थे, कभी वो VCs थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, तो उन्होंने बहुत सारे क्षमताओं में देश की सेवा की है। ही इज द मास्टर ऑफ वर्ड्स एंड नो वर्ड्स, है ना, उनके पास शब्दों के वो मालिक थे और उनको स्थापित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जॉर्ज पी कॉनकर कह रहे हैं कि अमंग द फिलोसफर्स ऑफ आवर टाइम नो वन हैज अचीव्ड सो मच इन सो मेनी फील्ड्स एज हैविंग सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑफ इंडिया, बोल रहे हैं कि हमारे समकालीन जितने दार्शनिक हैं उनमें से किसी ने इतना नहीं अचीव किया इतने क्षेत्रों में जितना इन्होंने किया। पॉल आर्थर स्क्लिप कहते हैं कि नॉर वट इट बी पॉसिबल टू फाइंड द मोस्ट एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग ब्रिज बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, इन्होंने ये फिलोसोफर थे तो ईस्टर्न फिलोसफी मतलब इंडियन फिलोसफी को इन्होंने वेस्ट के सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, ये भी कि इनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, है ना। ये बात यहाँ निकल के आ गई कि राधा कृष्णन इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंस कॉम्पेरेटिव रिलीजन इन फिलोसफी अकेडमिक्स इन बोथ इंडिया एंड द वेस्ट, इज डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म को इन्होंने डिफेंड किया, बताया कि उसमें कितनी सार्थकता है, कितना बढ़िया है वो, अगेंस्ट अनइनफॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, मतलब जो वेस्ट जो क्रिटिक था, जो आलोचना करता था हिंदुइज्म को, उसको सुधारा, हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ही इज रिगार्डेड एज मेकिंग हिंदुइज्म मोर अप्रोचेबल टू ए वेस्टर्न ऑडियंस, वेस्ट को उन्होंने अप्रोच किया कि वेस्ट के ऑडियंस को कि वो समझ सके हिंदुइज्म क्या है। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, शिक्षक तो वो थे ही बहुत बढ़िया, और शिक्षा के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं उन्होंने, ठीक है। तो आई थिंक कि राधा कृष्णन साहब की फिलोसफी आप समझ गए होंगे। अब मैंने सारे एजुकेशनल थिंकर्स जो मेरे हेड पर थे आई हैव कवर्ड, सो लर्न वॉच लर्न एंड डू गुड इन योर एग्जामिनेशन, ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू।